good morning students today we will going to revise our fourth chapter of social science that is rajput age so we will start with the chapter in this chapter we are going to learn about various different dynasties and kingdoms of our country we will see rise of many new dynasties and then we will see about North India and South India. And at last, we will learn about the pride of our rulers. Okay? So, we start. There is a boy, Parimal, who was watching a TV, and in that, he was watching a historical serial. While watching, a question arose in his mind. In, is this palaces still in existence? Who have constructed such palaces? Then he went to his grandfather and asked him these questions. Then his grandfather gave the answers of his questions by explaining him. क्या है इसमें एक लड़का है परिमिल वो टीवी देख रहा था हिस्टोरिकल सीरियल उसमें उसने उसके माइंड में क्वेश्चन आए कि क्या अभी भी ऐसे पैलेसेस हैं किसने बनाए होंगे तो ग्रैंडफादर के पास जाता है उनसे ये क्वेश्चनस पूछता है फिर ग्रैंडफादर उसे ये चीज़ें समझाते हैं फिर वो आगे किंग्स इन एंशन टाइम्स कंस्ट्रक्टेड सच पैलेसेस at present many such palaces has been also present but some palaces are in good condition while some palaces are in bad condition the kind of work which was done earlier was different from the work which is being done now okay जो काम पहले किया जाता था जो मटेरियल्स पहले यूज़ किए जाते थे जो स्ट्रक्चर पहले यूज़ बनाए जाते थे वो अभी के टाइम से बहुत अलग थे ठीक है फिर मैनी मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड इन राजपूत एज कैन बी सीन इवन टूडे आज भी हमें बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स अभी भी मिल जाएंगे देखने के लिए जो राजपूत एज में बनाए गए थे नाव वी विल सी

लोग थे लैंडलॉर्ड्स थे चिस्टेंस थे जो वर्क कर रहे थे उनके अंडर उन्होंने क्या किया अपने अपने एरिया पे कब्ज़ा कर लिया कब्जा करके उन्होंने और क्या किया अपना खुद का नया डायनेस्टी बना दिया ठीक है वो रूल करने लगे उस पर्टिकुलर एरिया पे अब हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में कौन से कौन से डायनेस्टीज आए थे और मतलब साउथ इंडिया में कौन से कौन से डायनेस्टीज़ ने आए थे मतलब दोनों नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कौन से कौन से डायनेस्टीज़ रूल किए थे एग्जिस्ट किए थे फर्स्ट नॉर्थ इंडिया गुर्जर प्रतिहारा पाल चालुक्य परमार एंड चौहान ये सारे कौन थे नॉर्थ इंडिया के डायनेस्टीज़ थे साउथ इंडिया के डायनेस्टीज कौन कौन थे पलवा राष्ट्रकूटा कल्याणी चालुक्य चेर पंड्या एंड चोला डायनेस्टीज ओके नाउ वी विल फर्स्ट यू सी अबाउट दी नॉर्थ इंडिया सी अ पिक ऑफ यशोवर्मा एंड किंग भोज इज बीन गिवन. वी विल लर्न अबाउट दैम ओके वैन द किंग हर्षवर्धन डाइड मैनी किंग्स अटैक्ड एंड रूल ओवर कन्नौज मोस्ट पावरफुल वास यशो वर्मा ओके हम इसमें देख रहे हैं हमने पढ़ा था कि जो हर्षवर्धन थे वो जब मर गए थे बहुत से जो छोटे छोटे रूलर्स थे उनके अंदर उन्होंने हमला कर दिया किंगडम पे क्योंकि किंगडम कमज़ोर हो गया था हर्षवर्धन के डेथ के बाद और उन्होंने फिर क्या किया रूल किया कन्नौज पे मोस्ट पावरफुल वॉज यशोवर्मा आफ्टर हिम प्रतिहारा केम्ड एंड रूल्ड मेहर भोज वॉज पावरफुल रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी सबसे पावरफुल कौन था यशोवर्मा था और फिर प्रतिहारा डायनेस्टी आई यशोवर्मा के बाद प्रतिहारा डायनेस्टी आई कन्नौज में ओके okay? और उनमें से जो राजा थे मिहिर भोज वो बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे देखो तो दोनों की पिक्स दी गई है फर्स्ट वन इज ऑफ यशोवर्मा एंड सेकंड इज ऑफ किंग भोज देन वी विल सी आफ्टर दैट परमा डायनेस्टी रूल्ड मालवा उज्जैन एंड धार नगरी टू सिटीज़ ऑफ़ मालवा किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वर गुड रूलर्स एंड गुड पोएट्स परमार डायनेस्टी ने क्या किया था मालवा पर रूल किया था उज्जैन और धार नगरी दो सिटीज़ हैं मालवा की किंग मुंज किंग भोज जो परमार डायनेस्टी के थे वो बहुत ही अच्छे रूलर्स भी थे और साथ में गुड पोएट्स भी थे ऑल्सो उन्होंने क्या स्टार्ट किया था स्टडी सेंटर स्टार्ट किए थे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ डेवलप्ड की थी ओके टू स्टडी वॉट संस्कृत लिटरेचर ओके सो वी विल सी फर्दर द रूलर्स देन पाला डायनेस्टी एंड सेंट डायनेस्टी रूल In Bihar and Bengal, many Rajput rulers of Chauhan dynasty rule over what? Various parts of Rajasthan. Okay, we can see here. It has been present. We have all learned it. Then they ruled over Sakambari which is in north of Ajmer. Okay, north of Ajmer. अजमेर प्रीवियस नेम नी वॉज अजय मेरू अजमेर का प्रीवियस नेम क्या था पहले अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था ओके फिर देन चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली पृथ्वीराज थ्री वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ़ चौहान डायनेस्टी अब क्या हो चौहान डायनेस्टी ने क्या किया दिल्ली पे क्या कब्ज़ा कर लिया और जो पृथ्वीराज थ्री थे वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे चौहान डायनेस्टी के वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट गोहिल्स और गोहिल्स ऑफ मेवा हु होल्ड स्ट्रांग पोजिशन इन मिडविल हिस्ट्री बप्पा रावल एस्टाब्लिश दिस डायनेस्टी ऑल्सो चेरी डायनेस्टी रूल्ड ओवर जबलपुर इन एम पी हमने ये भी पढ़ा था कि जो गोहिल्स और गोहल्स थे मेवाड़ के वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने उनका जो मिडबल हिस्ट्री पीरियड में उनका पोजिशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है और जो बपा रावल थे उन्होंने ये डायनेस्टी स्टार्ट की थी एक्स्टब्लिश की थी और क्या चेडी डायनेस्टी क्या किए थे रूल किए थे जबलपुर में एम जबलपुर पे जो कि कहाँ पर है एमपी में है मध्य प्रदेश में है ओके तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे नॉर्थ इंडिया के थे ओके हमने यशो वर्मा के बारे में पढ़ा भोज के बारे में पढ़ा फिर और भी पाला डायनेस्टी सेंट डायनेस्टी फिर चौहान डायनेस्टी ठीक है सारे डायनेस्टी के बारे में हमने देखा इसमें गोहिल गोहिल गुहिल ठीक है अब हम देखेंगे साउथ इंडिया साउथ इंडिया के बारे में इन साउथ इंडिया मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स वस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेश टू हिस किंगडम सेपरेटेड इन टू स्मॉल स्टेट्स जब पुलकेशी टू जो राजा थे साउथ इंडिया में वो जब मर गए तो उनके जो किंगडम थे ना वो बहुत ही हिस्सों में बट गए और छोटे छोटे स्टेट्स बन गए उनमें से पल्लवा एंड चोला डायनेस्टी रूल्ड इन साउथ इंडिया नरसिंह वर्मा वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी दे लव आर्ट एंड लिटरेचर इसमें हमने पढ़ा था सेकेंड पैराग्राफ में कि पलवा और चोला डायनेस्टीज जो थी साउथ इंडिया पे रूल की थी फिर हमने देखा था कि नशिर वर्मा जो राजा थे वो बहुत ही स्ट्रांग राजा थे पलवा डायनेस्टी के फिर हमने ये भी देखा था कि उन्हें क्या पसंद था पलवा डायनेस्टी के लोगों को क्या पसंद था देर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ओके देन वी हैव सीन दैट तंजोर तंजोर वॉज द कैपिटल ऑफ वॉट चोला डाइनेस्टी वी आर नाउ लर्निंग अबाउट व्हाट चोला डायनेस्टी एंड तंजोर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी चोलाज अटैक्ड सेलॉन एंड टेकन पावर ऑन डैम चोलाज क्या किए थे सेलोन पे अटैक किए थे और उस पर पावर जमा लिए थे चोला हैड अ पावरफुल नेवी चोला के पास क्या था बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाव नेवी था जिसकी वजह से वो अक्रॉस द सी मतलब बाहर की जो दूसरी कंट्रीज है ना उन पे भी अटैक कर सकते थे राज रा, राजा वन एडाप्टेड सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने ये भी पढ़ा था कि जो राज राजा वन थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छे वे में सिस्टमेटिक वे में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था एडाप्ट किया था राष्ट्रकूटा चेरा पंड्या ओके ये जो हम डायनेस्टीज देख रहे हैं इसमें साउथ इंडिया पे रूल की थे क्या क्या थे राष्ट्रकूटा था चेरा और पंड्या डायनेस्टीज़ दे फॉट मैनी बैटल्स एंड टेकन पावर ऑन मैनी एरियास ड्यू टू दर इंटरनल कॉन्फ्लिक्स एंड नो यूनिटी फॉरन इन्वेडर्स टुक एडवाटेज अब जो ये डायनेस्टीज थी जो रूल की थी साउथ इंडिया पर उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी ओके okay? और ऐसे बहुत से एरियाज थे जहाँ पर उन्होंने अपना पावर जमाया था रूल किया था बट एक पॉइंट उनमें क्या था कि वो लोग में यूनिटी नहीं थी डायनेस्टीज में अग, वो लोग क्या आपस में लड़ते थे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपस में लड़ते थे एक दूसरे से जलते थे सोचते थे कि मैं उससे कैसे हरा दूँ तो मैं उसके एरिया पे भी कब्जा कर लूँ मतलब इस टाइप के बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे और बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी तो इसका फ़ायदा किसने उठाया फॉरन इन्वेडर्स ने उठाया ओके okay? फिर हमने देखा था इस पैराग्राफ में कि okay? गोविंद थ्री जो थे वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे किंग थे राष्ट्रकुटा के हमने राष्ट्रकुटा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा उसमें हमने देखा जो गोविंद थ्री थे वो बहुत ही पावरफुल किंग थे ओके okay? और उन्होंने क्या किया था अपना राज किया था उन्होंने किंगडम एस्टाब्लिश किया था जो कि उसका नाम था डेकिन इन एट सेंचुरी ओके फिर हमने देखा था ये इस पैराग्राफ में कि जो एक ग्रीक ट्रैवलर था जिसका नाम था मेगा ओके okay? वो उसने क्या नोटिस किया था कि जो फीमेल्स थी ना पंड्या डायनेस्टी की वो बहुत ही उस समय स्ट्रांग थी और वो उनका ही ज़्यादा चलता था दे यूज टू रूल ओके इन दिस डायनेस्टी पंड्या डायनेस्टी प्रेजेंट डे मदुराई एंड तेरुवेनली इन तमिलनाडु वाज रूल्ड बाय पंड्या अभी के टाइम पे तमिलनाडु में जो प्लेसेस है मदुराई जो है और तिरुनेल वैली है वो पास्ट में पंड्या डायनेस्टीज से रूल्ड हुई थी ओके फिर हमने देखा था कि चेरा इस जो अभी केरला नाम से जो अभी केरला स्टेट है उसका पहले नाम क्या था चेरा था चेरा नाम से केरला को पहले जाना जाता था फिर Athan II was first strong ruler of Chera dynasty. We learned about Athan II, who was the first and strong ruler of Chera dynasty. Then we have also seen that Chera Satan I was a powerful ruler. Okay. We have also seen that in the Chera dynasty, who was a powerful ruler? Cheran Satan I. Right? so this was about the south india. we have revised about north india and then we have seen south india. now we will see about and revise about what we have learned in the pride of rajput rulers. okay, rajputs were very brave and they gave up their lives of country. we have seen that राजपूत क्या थे बहुत ही ब्रेव थे ताकतवर थे नीडर थे ओके और उन्हें अपने कंट्री के लिए अपनी जान गंवानी में प्राउड फील होता था गर्व महसूस होता था फिर हमने देखा था कि दे नेवर फियर बट इंस्टेंट प्रीफर टू डाई एंड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ फॉर एट हमेशा वो क्या करते थे कभी डरे नहीं थे उनको क्या मर डरने से अच्छा क्या था कि हम मर जाएंगे पर डरेंगे नहीं और वो हमेशा सच बोलना पसंद करते थे और बोलते भी थे और हमेशा लड़ते थे सच के लिए कोई भी उनके शरण में आता था हेल्प के लिए आता था वो उसे ज़रूर हेल्प करते थे ओके वो बहुत ही हेल्पफुल और ब्रेव थे फिर हमने राजपूत वुमेंस के बारे में पढ़ा था वी हैव सीन अबाउट राजपूत वुमेन्स दे वर कोल्ड एज राजपूतानी ओके वॉट राजपूत वुमेन वॉज नेम्ड एज राजपूतानी वर ऑल्सो वेरी ब्रेव एंड सेंड देर हजबेंड सन्स एंड ब्रदर्स टू बैटर फील्ड विथ स्माइलिंग फेस ओके वेन देर हजब सन्स एंड ब्रदर्स मूव टूअर्स बैटल फील्ड टू फाइट अगेंस्ट अदर्स रूलर्स और एनी बडी देन दिस दैम विद स्मायलिंग फेस दे व ऑल्सो वेरी ब्रेव इफ दे विल गेट द चानस मतलब अगर ऐसी सचुएशन आती कि उनको भी बैटल फील्ड में जाके लड़ना पड़ता तो भी वो तैयार रहते थे इतने ब्रेफ थे वो वो भी बिल्कुल भी डरते नहीं थे ओके okay? अपने कंट्री के लिए वो अपनी जान देने में गर्व महसूस करते थे और अगर इफ़ देर हस्बैंड डाइड इन दी वॉर जब लड़ते लड़ते अगर उनके हस्बैंड मर जाते थे देन वाट डू दी राजपूतानीज डू दे परफॉर्म जौहर जौहर के बारे में हमने देखा था जौहर का मतलब क्या था टू बर्न अ ओके okay, दे वो हमें वो अपने आप को बंद कर देते थे फिर राजपूत ऐज इस इन आवर हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज रिटर्न इन गोल्डन लेटर्स हम अपने हीरोइक स्टोरीज़ देखेंगे बुक्स देखेंगे हिस्ट्री के तो राजपूत एज व्हेन वी सी अबाउट राजपूत एज इट इज एंग्रेव्ड इन गोल्डन लेटर्स बिकॉज देवर वेरी ब्रेव they were very strong they had done many uh, things for our country to save our country okay they have loses their ha मतलब वो अपने हमारी कंट्री के लिए बहुत से जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने अपनी जान भी गवा दी थी सो गोल्डन लेटर्स में उनके बारे में लिखा गया है हमारे हिस्ट्रो हिर, स्टोरीज में ओके okay? तो ये क्या था एक शॉर्ट रिविजन था हमारे चैप्टर फोर का राजपूत एज का ओके सो वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर इन अवर स्टूडेंट्स